अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहरीम एंड यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी है वो विंटर स्पेशल रेसिपी है, बिकॉज सर्दियों में चिकन कॉर्न सूप पीने का दिल तो सबका ही चाहता है। तो मैंने सोचा कि क्विक सी इजी सी रेसिपी लेकर आ जाऊँ, आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बहुत मज़ेदार बना था और ईजी भी है बहुत रेसिपी। सबसे पहले आपने यखनी बनानी है, यानी कि चिकन स्टॉक। उसके लिए आप चिकन ले लें, बोनलेस भी ले सकते हैं और विद बोन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने हाफ़ के जी बोनलेस ली है चिकन, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है पानी, और पानी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने सूप की क्वांटिटी बनानी हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर फ्लेवर के लिए मैंने एक छोटी सी अनियन लेकर चार टुकड़ों में कट करके वो डाल दी, चार जवे लहसुन के डाल दिए और दो छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए अदरक के, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्च साबुत, और नमक भी डाल दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैं क्या करूँगी कि इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 30 मिनट से 45 मिनट के दौरान ही ये जो है अच्छी तरह से बहुत ही चिकन सॉफ्ट हो गया था और यखनी भी बहुत अच्छी सी प्रिपेयर हो गई थी। तो जब तक जो है यखनी प्रिपेयर हो रही है, हम क्या कर रहे हैं कि कॉर्न्स लेंगे और उसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, इतना कि जितने बड़े कॉर्न्स हैं उससे थोड़े हाफ साइज़ के हो जाएँ। तो आप चॉपर में भी घुमा सकते हैं उसको, या नाइफ से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, और आप कोई से भी कॉर्न्स ले सकते हैं। नॉर्मल मकई लेकर आप इसे बॉईल कर लें, या जो स्वीट कॉर्न्स का कैन आता है उसको लेकर आप यूज़ कर लें, मैंने भी वो यूज़ किया है। अब जो फाइनल सर्व करते हुए हम सॉसेज यूज़ करते हैं, मैं वो बना रही हूँ। सिरके में मैंने हरी मिर्ची डाल के रखी है ताकि पिकल हो जाए, और एक और बोल में मैंने सिरका और चिली सॉस को मिक्स करके रखा है, और थर्ड सॉस हमारी सोया सॉस होती है, उसमें हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही रख देंगे। तो ये दोनों सॉसेज रेडी हो गई हैं, इसको साइड में रख लेंगे। अब हम बनाएंगे कॉर्न फ्लोर की स्लरी, जिससे हम सूप को थिक करेंगे। बनाकर साइड में रख लेंगे ताकि जैसे ही हमारा सूप रेडी हो हम फटाफट से डाल के सूप थिक कर लें, कोई एंड में मसला ना हो कि कॉर्न फ्लोर स्लरी रेडी ही नहीं हुई भी। फिर मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर लिया है और अंदाजे से पानी ऐड करके उसको मिक्स करके साइड में रख लिया है। अब एक बोल में 2 अंडे निकाले हैं और उसको बीट करके साइड में रख लिया है। नॉर्मली हम लोग जो है सिर्फ सफ़ेदी यूज़ कर रहे होते हैं सूप में, लेकिन योग ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप डाल के मिक्स कर लेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने जो यखनी प्रिपेयर की थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी। अब तक जब तक आप सारी प्रिपरेशन करेंगे उसको छान लें, और जो प्याज लहसुन और अदरक वगैरह उसको अलग कर लें, चिकन अलग कर लें और यखनी अलग कर लें, और जो चिकन है उसको बारीक बारीक आप काट लें, या तो आप हाथ से रेशा रेशा भी कर सकते हैं या ऐसे नाइफ की मदद से काट लीजिए। और अब आपकी चिकन जो स्टॉक है वो भी रेडी है, और चिकन भी रेडी है, और बाकी सारी प्रिपरेशन भी हो चुकी है। अब एक पतीले में थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसके अंदर ये चिकन ऐड करें, और हम चिकन को फ्राई करेंगे विद ब्लैक पेपर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर। तो होगा ये कि चिकन में बॉईल करते हुए अगर थोड़ी बहुत हीक आती है, मुझे तो लगता है आती है, फ्राई करने से ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि फ़्लेवर डबल हो गया है, जो सादा बॉईल करने का जो फ्लेवर होगा और ऐसे फ्राई करने से फ्लेवर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिएगा। फ्राई करते हुए मैंने इसके अंदर कॉर्न्स भी ऐड कर दिए ताकि कॉर्न्स में भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, मैं इसके अंदर दोबारा और नमक ऐड नहीं करूँगी, बिकॉज हमने यखनी बनाते हुए नमक ऐड कर लिया था, तो नमक की हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें जो आपने चिकन स्टॉक बनाया था, वो ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा बॉयल होने दें इसको, मिक्स कर लें, और देखिए यहाँ पर अब अच्छा खासा फ्लेवर डेवलप हो चुका है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। एक तो चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, और एक मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि स्किप कर दें दोनों, चिकन पाउडर या चिकन क्यूब, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ट्रस्ट मी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। उसके बाद आपने जो अंडे फेंट के रखे थे वो ऐड कर दें, और फ़ौरन से मिक्स नहीं करेंगे, तकरीबन 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स के बाद आपने इसको चम्मच चलाना है ताकि अंडा बड़े बड़े पीसेस में रहे। उसके बाद आप इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर स्लरी हमने बनाई है वो ऐड करेंगे, और हम उसको थिक कर लेंगे, और आप अंदाजे से जितना आपको थिक रखना है ना उस हिसाब से स्लरी बनाएं और उस हिसाब से आप ऐड करें। कुछ लोग थोड़ा ज़रा थिक सूप पसंद करते हैं, कुछ लोग पतला सूप पसंद करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह से आप स्लरी इसके अंदर ऐड करेगा। तो आपका सूप रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने एक बोल लिया है, बोल में सूप निकालूंगी और उसको मैं टॉप करूंगी जो हमने सॉसेस बनाई थी ना, एक हरी मिर्च वाली, एक चिली सॉस और विनेगर वाली, और सोया सॉस से। तो आपका जो सूप है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आप इसकी पिक्चर मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।